फॉर लास्ट नाइट ऑल द पैप्स दैट वर देयर ऑनेस्टली बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में आप लोगों के लिए मी एंड नौरा स्पेशली बहुत हेल्प की आप लोगों ने दे वेंट आउटसाइड द वे एंड फॉर दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल और होते हैं ना थैंक यू भाई इज योर फ्रेंड बट बहुत एक्टर्स का भी थैंक यू एवरीवन चीयर फॉर हिम बिकॉज वी वर स्टक और बहुत एक्टर्स कभी कभी अटक जाते हैं मतलब ऑब्वियसली कभी कभी अभी उठे और गाड़ी से निकलते और खच 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 हो जाता है एंड बट दे आर आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन इन द फिल्म फ्रेटर्निटी दैट ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं बट डीप डाउन इनसाइड ये लोग भी इंसान है एंड इन लोग ने इतनी इंसानियत दिखाई है यस्टरडे दैट आई वांट टू क्लैप फॉर यू गाइस थैंक यू सो स्वीट That makes Varun the Varun the person that he is, the star that you are. That's just phenomenal. Also, I want to tell you that ये वाला जो गाना है इससे पहले मुकाबला आया of course 50 million views. छोटी मोटी बात कोई बड़ी बात नहीं है उससे पहले ट्रेलर 50 million में कोई बात नहीं छोटी मोटी बात कोई बड़ी बात नहीं है एंड दिस वन ऑफ कोर्स इज गोइंग टू ब्रेक द चार्ट्स एंड इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब छोटी मोटी बात है मतलब how do you do it? How do you feel? I think Nora का तो हर गाना ट्रेंड होता ही है But Nora surprise right now. How do you feel about this trending and all this, Nora? I have a mic. Thank you. बोलिए बोलिए घर से लेके आइए आप माइक. शुक्रिया वरुण धवन. Thank you. आप बोलिए कैसे लगता है आपको? कैसे लगता है? I think आप लोग देख सकते हैं मैं ज़्यादा hyper और excited हूँ because सर्दी में भी गर्मी है जैसे आप लोगों ने देखा. बड़ी बेदर्दी है. Yes. Song's not gonna stop. So excited, I'm so happy, I'm so ecstatic. मैं बहुत बहुत खुश हूँ and it's always been a dream of mine since entering Bollywood to do a film with Varun Dhawan. और मैंने बोल दिया actually एक interview में someone asked me किसी ने पूछा मुझे कि अगर आपको film करनी है तो किसके साथ करनी है तो मैंने बोला वरुण धवन के साथ तो उन्होंने पूछा क्यों so I said because हमारी दोनों का energy same है We're both crazy, we're both very happy people, and we love what we do, and we love you guys. And I just knew our chemistry would be fire. Aur humne aag laga diya. Hai na? Say aag laga diya, say it. Annu Malik ji bolte hai aag laga diya. But main khali bolunga ki hum dono haan bahut hyper log hai, bahut khush log hai. But we want to call upon this stage, one of the most calmest people in the film industry. Zen like Buddha type है हमारे director मेरे director मेरे बहुत अच्छे दोस्त Remo D'Souza नहीं अरे क्यों सर आपको भी करना है इस step Hi गर्मी but sir before you say anything serious obviously ये director है but मैं आपको बता दूँ कि Remo sir की inspiration क्या थी इस गाने के पीछे और जो बोल लिखे गए कि तू red velvet की cake लगे ये इन्होंने खुद लिखा था क्योंकि घर पे ये अपने वाइफ को रेड वेलवेट केक बुलाते हैं एंड दैट्स नन अदर देन लिजेल डिसूजा लिजेल वू वेयरिंग अ रेड जैकेट एक्चुअली रेड जैकेट पहन के आई हां रेड जैकेट पहन और रेड जैकेट पहन ए गर्मी लिजेल ऑब्वियसली सबको पता है कि आप लोगों ने तीन बार शादी की है एक दूसरों के साथ But what he really calls you red velvet at home? Shut up, Arun. Does he really? No, but nee, I think हम लोग हमेशा इधर आते हैं और हम लोग बहुत बात करते हैं आप लोग पूछिए प्रश्न थोड़े प्रश्न का सवाल जवाब हो जाए जी रेड वेलवेट का केक लग रहे हो आपको रेड वेलवेट टू सबसे पहले आपको पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस ट्रेलर ने वाकई बहुत धूम मचाया सो जिस तरीके से रिस्पांस मिला है ट्रेलर को गाने को एंड आई एम श्योर ये गाना भी बहुत ट्रेंड होने वाला है व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट मैं खुश हूं मैं बहुत और अच्छा लगता है जब काम को अप्रिशिएट करते हैं और यूजुअली होता है कि ट्रेलर आता है फिर उसके बाद गाना फिर उसके बाद रिएक्शन थोड़ा ऊपर नीचे होता है बट इसका रिएक्शन इतना अच्छा मिल रहा है कि वी आर वेरी हैप्पी वरुण भाई थैंक यू सो मच वरुण भाई आप बताइए पाजी सच बात यह है कि बिफोर एनी यूनिट कम्स आउट ऑफ अ फिल्म सब लोग डरे होते हैं हम लोग इधर आके बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं बट आप
इतने स्वीट तरीके से पूछ रहे हो तो मैं आपको सच जवाब दूंगा कि वी आर ऑलवेज लिटिल वरिड कि यार लोगों को कैसा लगेगा, क्या होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा. मेहनत तो मेरे हिसाब से सब करते हैं, बट ये फिल्म जेन्युइनली, ये जो गाना शूट हुआ है, एक्चुअली 2 डिग्री टेम्परेचर में शूट हुआ है यूके में हम लोग ने, और जेन्युइनली इतनी ठंडी थी उधर, जेन्युइनली बहुत ठंडी थी. एंड आई रिमेंबर आई हैड गॉट माई फर्स्ट इंजरी ऑन स्ट्रीट डांसर इन दिस सॉन्ग. मेरा शोल्डर, आई हैड अ शोल्डर टेयर, क्योंकि एक जंप है जो बैटल होता है वो गाने में नहीं दिखाया है, वे दे फ्लिंग मी बैक, और मैं 3-4 बार किया और मुझे लग गया था. एंड वो अभी मेकिंग आएगा उसमें दिख जाएगा, उसमें है, उसमें चोटें बहुत लगी है इस फिल्म में एक्चुअली सब लोगों को. एंड नोरा बात नहीं करती, बट उनको भी चोटें तो सभी को आती हैं बिकॉज इट्स डांस. नोरा का बैक गया था मुझे याद है, नीज एक्चुअली मेरी नीज बैक, और काफी इंजरी. रमेश को भी लग गया था व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कैच मी. राघव को लगा, राघव को लगा, राघव को आपने ही मारा था सर. बट यस, बहुत मेहनत की है सबने, बहुत दिख रहा है मेहनत, आपको दिख जाएगा इसमें. थैंक यू नोरा. Yeah. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डू यू लुक एट योर जर्नी, मतलब नॉट ओनली जस्ट एज अ सॉन्ग बट यू आर ऑल्सो एज अ परफॉर्मर एज वेल, मतलब अ डायरेक्टर हैज कंसिडर्ड यू एज अ लकी मैस्कट एंड यू आर गेटिंग, यू हैव बीन अप्रिशिएटेड फॉर योर एक्टिंग परफॉर्मेंस एज वेल, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? इट्स वेरी सुरियल, इट्स अ फीलिंग. समटाइम्स आई गेट वेरी वेरी हैप्पी एंड देन समटाइम्स आई गेट वेरी स्केयर्ड because I don't want it to end. I want it to keep going and going and going and going. But of course, if I look back at 3 years ago, I remember sitting in my room alone, very frustrated, very upset because I wasn't getting the work I wanted and people were not actually recognizing my talent. And I remember saying to myself, "Mera time bhi aayega." And when I said that to myself, I saw all of this happening. So for me, coming from outside, not being an industry child or industry kid, I'm so grateful and so hungry and I have such a big appetite and I just want to work and I just want to prove myself. And to get to work with Remo sir, I said this at the trailer launch, was a dream. And I have many more dreams. I hope there are many more directors out there that will have, you know, courage to work with me also, because I have a lot to offer and I can't wait. And obviously I want to know, how does Varun Dhawan feel doing a song with me? I just want to know, how does he feel? Varun Dhawan, kaisa laga? So, mujhe aisa laga tha ki ye waise bhi jab gana nikalti to internet ko tod deti hai. She breaks the internet. So I said that when Varun and Nora do a song together, let's see what happens to the internet. And we are already currently trending at number 3 or 2. I think 2. T series. 2. We are trending at what number? वैसे भी मेरे डांस का रूल नंबर 1 है, नेवर बी नंबर 2. हाँ, अच्छा इतना जोर से मत बोल, बट ठीक है अभी तो बोला. हो जाएगा, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, बट जेन्युइनली द आइडिया वॉज लेट्स ब्रेक द इंटरनेट एंड लेट्स गेट अ सॉन्ग. आई थिंक रेमो सर वॉज वेरी सीरियस दैट अभी नोरा के साथ क्या करे, क्योंकि ऑब्वियसली रीमेक का बहुत बड़ा ट्रेंड है एंड दिस इज अ ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क रिटन बाय बादशाह नेहा कक्कर. ये बहुत ही ओरिजिनल गाना है, तो एक ओरिजिनल गाने में हम लोग कैसा रंग जमाते हैं. सो दैट वाज द आइडिया. सो प्लीज प्लीज गिव द सॉन्ग सपोर्ट, इट्स एन ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क, सो होपफुली यू लाइक इट एज वेल. आई जस्ट वांट टू ऐड, आई मीन समथिंग दैट्स रियली रियली कूल व्हिच ऑब्वियसली आई होप विल बी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली आल्सो. द वाइब ऑफ दिस सॉन्ग एंड द एटीट्यूड ऑफ दिस सॉन्ग इज वेरी फियर्स, इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड इट्स वेरी केयरफ्री. इट्स काइंड ऑफ व्हाट यू वुड सी in any international dance film when you have like a face off in a club or a face off underground, you have that attitude, that facial expression, the body language. I feel like everyone in this song, Varun Dhawan, Raghav, Dharmesh, Sushi, Perry, Chandni, me, everyone in the song really displayed that vibe which is necessary for this song. So I just can't wait for the dancers in our actually dance community puri film mein, throughout the film puri film mein, because I'm very careless with my expressions. Automatically जो दिल में वो आ जाता है चेहरे पे, तो रेमो सर हमेशा मुझे कंट्रोल करते थे कि डोंट ज़्यादा फेस पे मत ला, आँखों में ला, गेट इट ओनली इन योर आईज एंड इन द बॉडी. तो मेरे लिए एक्चुअली ये स्टाइल बहुत डिफिकल्ट है, मेरा नेचुरल स्टाइल नहीं है, बट वी ऑल वर्कड हार्ड. बट आई थिंक मैंने ये जो सॉन्ग है फिल्म है, मैंने डायरेक्ट की है, लेकिन असली क्रेडिट एक्चुअली जाता है राहुल शेट्टी और कृति को.
For sure, Rahul Shetty and Kruti, yeah, they choreographed the number. Actually, उन्होंने choreograph किया है, बहुत अच्छा choreograph किया. पूरी film के गाने उन्होंने choreograph किया, so I think this is one of the best work. I would say, as a choreographer, I can say that this is one of the best work they've done. Yeah. Any more questions, guys? Varun, I have a question. Yes, sir. Yeah, this is Rituraj from News 18. Varun and Remo, both of you, considering we've seen these dance movies coming from the West, something like Step Up, what is the challenge or the value addition you want to, you know, make to a movie coming here from the, you know, Hindi belt, Hindi cinema? Is it more emotions along with dance? What is it that you want to add that, you know, we haven't seen before? I keep getting these questions every time, but I want to ask aise question love story ko bhi poochte hai aap log aur action movie ko bhi poochte hai ki west mein bhi action movie banti hai yahan kyun aise bana rahe ho, love story wahan pe bhi banti hai yahan pe bhi ban rahi hai, so it's not something which is very this thing ki main unko kuch prove karna hai kuch karna hai, kisi ko prove nahi karna hai na hi hum log kuch nahi kar, hum apni film bana rahe hain, ye india ki film hai, story india ki hai, artist india ke hain और बहुत दिल से बनाई है, तो बार बार वो जो कंपैरिजन या कहते हैं कि वहाँ पे बन रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज दिल से बनाई है और भारत की फिल्म है 24 जन और जेन्युइनली आई थिंक जो बात हमारे डांसर्स में यहाँ पे है ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ, वाकई डांसर्स में नहीं है, एंड प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, प्रूफ कर चुके हैं हम वर्ल्ड के स्टेज पे जाके जीत चुके हैं, इंडिया के डांसर्स किंग्स यूनाइटेड वी हैव प्रूव नॉट वंस बट ट्वाइस, यस, सो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले 10 सालों में भारत इज गोना टेक ओवर द डांस सीन, इट्स गोना बी डोमिनेशन, बिकॉज यहाँ के जो डांसर्स है वो लोग कितने तकलीफ से कर रहे हैं क्योंकि डांसिंग को प्रोफेशन की तरह माना ही नहीं जाता था, मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है डांसर्सों के साथ and Remo sir is one of them because he started as a background dancer, unki jo journey rahi hai to ye sab maine suna hai, and itna hard hota hai jab society dance ko they don't look at it as a career, unhe lagta hai ki aap family ka naam badnaam kar rahe, are dance kar rahe to wo kaam nahi hota hai, but kaam hota hai, itni takleef se ye log jaate hai, subah subah uth ke train pakadte hai, practice pe aate hai, kabhi kabhi road pe nachte hai, streets pe nachte hai, so this one is for all the dancers, you know, because if you can feel the music then anybody can dance. आप सभी से सवाल है, जैसे इस गाने में लाइन है कि तुझको देख के ब्रेक लग गया, आप लोग सभी की लाइफ में पहला वो कौन सा मोमेंट था जब आपके दिल पे ब्रेक लगी थी? दिल पे मेरा स्पीड ब्रेकर इधर ही है मेरा ब्रेक यहीं लग गया था, इनसे पूछो दोनों से, नौरा बोलो, व्हाई, बिकॉज़ आई एम सिंगल, वरुण एंड नौरा आप दोनों भी जवाब दे. I want to know, have you ever faced a heartbreak? Have I ever faced a heartbreak? Yeah. Are you in their team or our team? I have faced a heartbreak in college or something. I have, yeah, yeah. And in life, yeah. Everyone has faced a heartbreak, obviously. Yeah. But us waqt break nahi laga. Gaadi ne aur bhi raftaar pakad li. Wo kaun tha jiska naam batana chahiye? Nahi, wo koi aisa koi jani mani hasti nahi hai. She's a normal girl aur bahut. Obviously, I don't know name her because it doesn't need the. Okay, जैसे इस गाने का नाम गर्मी है, तो आपकी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है जिम और स्पोर्ट्स को छोड़ के जब आपको एसी में भी गर्मी लगी हो? जब ये गर्मी गाना सुनते हैं, I want to answer this question. ये जब गर्मी गाना सुनते हैं तब गर्मी लग रही होती है. That's it. Yeah. Varun भाई बोलो बोलो. अरे यार नौरा तुम बोलो ना, कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? Why are you putting on the spot? रिलीज के दिन, डेफिनेटली रिलीज के दिन. और आई थिंक स्कूल में जब मेरे मार्क्स आए थे और मुझे पता था कि मैंने मैथ्स में अच्छा नहीं किया था, शायद रेड मार्क आएगा, तो बहुत एसी वेसी चालू था घर पे, मॉम डैड के साथ बैठा था एंड आई वाज स्वेटिंग, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं मॉम से क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे हुआ नहीं होगा, रिपोर्ट कार्ड आएगा अभी. आई थिंक वन मोर प्लेस व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स कैन रिलेट, व्हेन वी गो फॉर ऑडिशंस इन द ऑडिशन रूम, इवन दो देयर इज लाइक 5 एसीज, but the minute you're there in front of the camera and the casting director says action, you're just like, oh my god. I remember main bahut nervous hua tha jab mere ko prabhu sir ke sath nachna pade. Oh god, matlab main aaya tha full ki mere ko karna hai and fir main aaya tha aur fir main aisa tha, my knees were bent and prabhu sir, hey you, why your knees bent, stand straight, hero na, to ha yes sir, look up, don't look down, what are you doing, to wo bahut
भाई खतरनाक आदमी है वो, उसके साथ कभी मस्ती, ज्यादा मस्ती भी नहीं करना चाहिए. वरुण पाजी और रेमो सर, आप दोनों से मेरा एक सवाल है. दिस फिल्म इज रिलीजिंग ऑन 24 जन. इट इज रिलीजिंग अलॉन्ग विद पंगा. देखा जाए पीछे पंगा के ट्रेलर लॉन्च पे भी कंगना ने इसके बारे में कहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू लुक एट दिस क्लैश, फिर मैं आपको बताऊंगी उन्होंने क्या कहा था. यू बोथ ऑफ देम. ऑफ कोर्स मैंने ट्रेलर देखा, बहुत प्यारा ट्रेलर है एंड वेरी नाइस ट्रेलर. और ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा मुझे ऐसा कोई ऐसा टेंशन नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट फिल्म, टू डिफरेंट जॉनर्स है. ये डांस फिल्म है, वो एक स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छा सीरियस मैटर है. और क्यों नहीं, वैसे भी दो दो फिल्में, तीन तीन फिल्में रिलीज होती हैं सेम डे पे, तो आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग. Definitely, yeah. I think Ashwini is someone I've met, Nitish sir also. Kangana is someone I've known since a lot of years and really admire her work and admire her. And I think unhone bhi kaha tha us waqt ki matlab the films are very different. So, you know, this is, and we are in 2020, yaar. Abhi hum log wo sab nahi kar sakte ki clash and all. I think we need to be cool about it, move ahead. And, you know, people like the films, they should go watch both the films actually, why not? And our film, genuinely, this is my return to doing films for kids. मैंने बहुत वक्त से बच्चों के लिए कोई फिल्म नहीं किया था. एंड बाय बच्चे मेरा मतलब है कि एक बच्चा सब में छुपा हुआ है, तो आप सबके लिए, आपके अंदर के बच्चे के लिए पिक्चर. एंड दिस इज व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट. एंड होपफुली द फैमिली ऑडियंसेस, किड्स, पेरेंट्स, आप सबको बहुत अच्छा लगे एंड यू ऑल विल हैव अ गुड टाइम. थैंक यू रेमो सर. यो या वन सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी. जैसा कि वरुण सर ने कहा कि हमारे देश में डांस को करियर नहीं माना जाता है, उनका एक स्ट्रगल होता है, एक जर्नी होती है, तो क्या इस फिल्म में वो देखने को मिलेगा? हर फिल्म में एक स्ट्रगल रहता है. और यूजली मेरे ख्याल से एबीसीडी वन में मैंने एक स्ट्रगल दिखाया था डांसर्स का, और हर बार डिफरेंट स्ट्रगल होते हैं. इस बार जो स्ट्रगल है वो यूके में है, लंदन में है, और इंडियन डांसर्स, पाकिस्तानी डांसर्स, यूके डांसर्स और कोरियंस और बहुत सारे ऐसे देश के डांसर्स हैं जो, जिनका स्ट्रगल वहाँ पे क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं उस अंडरग्राउंड बैटल में और उस माहौल में, तो वहाँ का स्ट्रगल दिखाया है. तो यस, इस फिल्म में भी आपको दिखाई देगा डांसर्स की स्ट्रगल. रेमो सर, डू यू थिंक दैट डांस ओरिएंटेड फिल्म्स नाउ दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस इन बॉलीवुड टुडे than it was, you know, maybe 10 years ago. And you started this trend with ABCD. Yes. And Varun, you were a part of ABCD 2 as well, and now Street Dancer 3D. So do you think, because it has become like a part film with three parts already here, it has become a trend and Bollywood is now giving its due to dance-oriented films? Actually, बहुत साल पहले जब डांस फिल्म की बातें होती थी, बट कोई बनाता नहीं था डांस फिल्म. एंड देन आई स्टार्टेड, बट आई रिमेंबर आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ डांस फिल्म. एंड मैंने देखा कि डांस फिल्म बनी नहीं है 70s, या आई थिंक नाचे मयूरी वॉज द लास्ट डांस फिल्म आई रिमेंबर. उसके पहले नवरंग, जनक जनक पायल बाजे, नृत्य बिन, टू थ्री अदर फिल्म विच वर लाइक डांस फिल्म तब बनते थे. And then Disco Dancer was also not a dance film actually. Naam Disco Dancer tha, but he was a singer in the film. So, aise bahut saari filmein aayi uske baad, jinka naam dance hota tha, but actually jab main dekhne jata tha film, main dar ke jata tha ki yaar kisi ne dance film bana di mere se pehle. But jab dekhta tha to usme dance bahut kam hota tha. So, then I said ki if I make a dance film, then it has to be a dance film. Then I started with ABCD and now Street Dancer. Also, the thing that I want to add to this is that इस पिक्चर का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है. एक लाइन है जो राघव और मेरे बीच में होता है ट्रेलर में कि यू नो, वो लोग इंडिया और पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स के लिए नाचना चाहते हैं. तो आप नाचना चाहते हो, अच्छी बात है, बट आप क्यों नाचना चाहते हो, वो बहुत बड़ा रीज़न होता है. एंड दैट रीज़न इज़ वॉट ड्रोव मी टू डू द फिल्म कि डांस क्या क्या कर सकता है. यू नो, इट्स नॉट ओनली फॉर एंजॉयमेंट, बट आप उसके थ्रू बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत कुछ बदल सकते हो, लोगों के लाइफ बदल सकते हो. और स्पेशली हमारे देश में, क्योंकि जब बच्चा होता है हम लोग नाचते हैं, जब बर्थडे होता है हम लोग नाचते हैं, जब किसी की शादी होती है तो हम लोग नाचते हैं, जब किसी की शादी टूटती है हम लोग नाचते हैं. तो
हम लोग हमेशा नाचते हैं हर चीज के लिए. वी आर अ वेरी एक्सप्रेसिव डांसिंग नेशन. एंड ये हर फिल्म में मैं सोचता हूँ कि जस्ट डांस फिल्म नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए. तो इस फिल्म में जो रीज़न था वो बहुत ही सही तरीके से आया था. हम लोग ने जब लिखना शुरू किया तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी अबाउट दीज इलीगल इमिग्रेंट्स, वहाँ से ये आइडिया आया एंड देन वी मेड दिस फिल्म. सो बहुत प्यारा एक्चुअली और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एक्चुअली. वरुण हियर. I think when I was offered this film, actually, to be very honest with you, ma'am, I was offered this film 3 years back. Actually, ये script हमें ये 2016 से मैंने start किया था लिखना 4 साल पहले. तीन उसके बाद एक साल हमने लिखा उसके बाद then I heard it. तो ये बहुत this is just a coincidence and we've not been talking much about it, but in the sense that it's a world issue. You know, it's being discussed all over the world today, and it's obviously a difficult matter and a very tricky matter of how to handle it, and that's why you have people who are elected to do that. So I would not comment on what they should do in the job, but obviously being a young Indian, having been brought up over here, I feel that everyone's voice should be heard and then a decision should be taken. I'm just going to ask you guys for the last question. This is the last question. Thank you so much. क्या 3D film के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ा था? मुझे ऐसा भी लगा था कि मैं कुछ अलग preparation करूँ 3D film के लिए, but sir ने बोला भाई तू कुछ मत कर. बस जो मैं करता हूँ तू बस रिहर्सल कर. बट इट्स आई थिंक इट्स अ टेक्निकल चीज़ होता है 3D फिल्म शूट करना. इट्स अबाउट द एंगल्स, आप कौन से एंगल से शूट करते हो, आप फोरग्राउंड में बहुत सारे चीज़ रखते हो. ये मैं सर को पूछ के सीखा हूँ ये चीज़ें. एंड वी शॉट अराउंड दूसरे गानों में यू विल सी वन सॉन्ग विच इज कमिंग अप विद श्रद्धा नेक्स्ट. वी शॉट एट दिस एयरफील्ड, सॉरी विद दिस वन वी शॉट एट द एयरफील्ड विद नोरा. वी शॉट विद श्रद्धा इनसाइड inside the dome on top of O2 arena we've shot. तो हमेशा हम लोग जो props थे वो थोड़े foreground में रखते थे और हम लोग पीछे रहते थे. और if he would come ahead तो वो distance और mark manage करना पड़ता है. Good question. मैं actually मैं रोकता नहीं हूँ अपने आप को. मैं अगर मेकिंग में देखोगे तो मैं नीचे जो बैठा रहता हूँ मैं मॉनिटर देखता रहता हूँ उसमें, बट मेरे पैर चलते रहते हैं. और मेकिंग में बहुत सारे ऐसे फनी थिंग है जहाँ पीछे बैठ के मेरे असिस्टेंट हंस रहे हैं मेरे ऊपर और मैं एक्चुअली आके बैठ के मैं अपना मूव कर रहा हूँ. और जो ये लोग कर रहे हैं उसको कॉपी, हर डांसर का ऐसा होता है जब वो देखते हैं कुछ तो उनका बॉडी ऑटोमेटिकली कॉपी करना शुरू करता है. तो मेरे साथ भी एक डांसर हूँ मैं पहले, तो वो अंदर का डांसर कभी जाएगा नहीं एक्चुअली. बट सबसे ज्यादा तो एक्चुअली वी वर शॉक्ड भूषण जी नाचते हैं. वी डिडंट नो एक्चुअली, वी डिडंट नो, बट वो हमेशा ही हैज सम डिफरेंट मूव्स, बट कुछ अनदेखा अनसुना. हां वो उनको कराएंगे हम लोग जो हम लोग कराएंगे स्टेज पे, बट ही डज डांस. ऐसा नहीं कि नहीं, उनको करना है बट वो अपने आप को रोक रहे बहुत सालों से. एंड मैं चाहता हूँ कि टी सीरीज की पूरी टीम है, आप लोग सब है यहाँ पे, कि एक वीडियो ऐसा भी हो जहाँ भूषण सर भी नाचे. ये हम लोग ट्रेंड कराएंगे, हैशटैग भूषण सर कैन डांस. I've already imagined him dancing in high garmi. He's going like that. Next version.